हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं नाइलेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इस वीडियो में हम करेंगे नाइलेट ने जो एग्जाम लिया है एनआईसी साइंटिस्ट सी और डी के लिए। ये साइंटिस्ट सी का पेपर है, ठीक है? ये जो हुआ था 19 19 अप्रैल, ठीक है, 2023 आफ्टरनून सेशन, ठीक है। तो इसका जो कोड है पेपर का 0B04 एंड में, ठीक है। तो इसके हम क्वेश्चंस करेंगे एप्टीट्यूड, बेसिक मैथ्स और रीजनिंग के, ठीक है। तो 26 से स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले इंग्लिश की। देखो 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ₹5,490 वाज पार्शली इन्वेस्टेड इन स्कीम ए एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली होता है टू फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। एंड पार्शली इन स्कीम बी एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। बोथ द स्कीम्स अर्न इक्वल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम बोथ स्कीम। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें से कुछ पैसा मान लो कि एक्स अमाउंट, और दूसरा अमाउंट कितना बचा 5,490 माइनस एक्स, ठीक है। एक तो पैसा लगा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कितना 10% और कितने साल, 2 साल, ठीक है। इस पे कुछ इंटरेस्ट आएगा। एक लगाता है सिंपल इंटरेस्ट, ये भी 10% पे, और इस पे कितना मिल रहा है, मतलब 4 साल के लिए, ठीक है। तो एक्स अमाउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, जो वैल्यू बनेगी, जो अमाउंट बनेगा 2 साल बाद, बनेगा एक्स इंटू एक्स प्लस 10/100 की पावर 2, है ना। और इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। ये किसके इक्वल है, जो 5,490 माइनस एक्स, जो सेकंड पार्ट है उस पे सिंपल इंटरेस्ट 5,490 माइनस एक्स इंटू 10 × 4 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो ये 11/10 का स्क्वायर यानी कि 121 एक्स बाय 100 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व 9 करें तो ज्यादा अच्छा, 100 100 हम कैंसिल कर देंगे, 4,590 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू 40 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो 121/100 माइनस 1 करेंगे तो 21/100 एक्स इज इक्वल टू 5,490 इंटू 40 माइनस 40 एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि ये कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होगा यहाँ पे 100, ठीक है, 100 को हम कैंसिल कर देते हैं। अब क्या होगा, देखो 40x उधर गया, 60 क्या बना, 61x, और यहाँ पे क्या आएगा 5,490 × 40। इसको मल्टीप्लाई ना करने का रीजन यही है कि हम ये कहीं ना कहीं कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 61। तो यहाँ पे चेक करो 61 से कैंसिल हो रहा होगा, 9 से हो रहा है ना, यस, तो 90, तो एक्स जो आ गया 9 × 36, ठीक है। इनसे इन्होंने पूछा क्या है, टोटल इंटरेस्ट पूछा इन्होंने, एक्स हमारा 3600 है, तो जो मतलब एक जो पार्ट आ गया वो आ गया 3600, ठीक है। दूसरा पार्ट जो आएगा माइनस 3600 कर दो, मतलब 908, 4 में से 6 गए, 1800 आएगा ना, हाँ 1800, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि टोटल इंटरेस्ट, किसी का भी इंटरेस्ट निकालो, 3600 पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो या 1890 पे सिंपल इंटरेस्ट निकालो, दोनों सेम ही होने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों सेम है ना, उसको हम डबल कर देंगे बस। तो क्या करें, देखो सिंपल इंटरेस्ट निकाले, कंपाउंड निकालें, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ये है ना 21/100x, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है यहाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट है 21/100x जो है 3600, ठीक है। 0 कट गया, 21 × 36 कर लो, छः पाँच सात, ठीक है, 756। तो 756 से कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, 756 ही क्या है सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका डबल कर दो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, डी, ठीक है।
27, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आर परसेंट पर एनम ऑन द अमाउंट ऑफ 22,500 फॉर 2 ईयर्स इज 1144 वैल्यू ऑफ आर। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है, देखो अगर हम इसको सिंपल करना चाहें, ठीक है कि चलो 2 साल में अगर अमाउंट जो है एक्स है, ठीक है 22,500 है, उसको मैं एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है एक्स है, इस पे लगा आर परसेंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए माइनस एक्स, ठीक है अमाउंट इतनी बन गई माइनस एक्स किया तो हमारे पास क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, और माइनस हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट दोनों का, एक्स इंटू आर इंटू 2 डिवाइड बाय 100, ये है 144 के इक्वल, ठीक है। एक्स मैंने इसलिए लिखा है कि बार बार एक बड़ी वैल्यू लिखना जिससे लगता है हम एक्स कॉमन निकाल लेते हैं पहले, है ना, वो ज्यादा आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस r² r/100 का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर खोल लेता हूँ मैं, देखो r² बाय 100 10,000 प्लस 2r/100 माइनस एक्स को मैं निकाला 1 आ गया, यहाँ पे 2r/100, ठीक है 144, यहाँ पे देखो कैंसिल हो रहा है 2r/100 2r/100 1 1, देखो सिंपल सी बात आ गई, ये आ गया x² डिवाइडेड बाय 10,000 × 144, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो सारे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं हमें तो, क्योंकि 225 भी 2 0 काट दिया परफेक्ट स्क्वायर है, 100 परफेक्ट स्क्वायर है, 144, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा तो मेरे पास 15 r/10 ना, 100 नहीं 100, 10 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 120/15 यानी कि 8%, ठीक है ऑप्शन ए आ जाएगा। अब इसको ये डायरेक्ट अगर हम देखें कि ये डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, देखो अगर हम देखें पहले 2 साल का, पहले साल में सपोज करो कि 100 रुपये हमारा क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है, पहले साल इस 1 साल बाद इस पे सिंपल इंटरेस्ट मान लो 10% की बात कर रहा हूँ, 10 आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10 आ गया, ठीक है पहले साल दोनों सेम ही आएगा, ठीक है दूसरे साल क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट तो 100 का 10 ही आएगा, ठीक है बट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 100 प्लस 10 का 110 पे आएगा 10%, यानी कि 100 का 10 प्लस 1, ठीक है ये समझ आ गया कि जो 100 था प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगना ही था 10%, जो इंटरेस्ट अर्न हुआ पहले साल में उस पे भी इंटरेस्ट लग गया जो कि आ गया 1। तो अगर मैं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट देखूं उसमें डिफरेंस क्या है, बस ये 1, ये क्या है जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आया पहले साल x into r/100, ये उस पे फिर इंटरेस्ट r%, ठीक है। तो ये चीज यहां से आगे, तो ये चीज हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं करनी तो भी कोई बहुत ज्यादा एक स्टेप एक्स्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, इन्होंने बोला कि पी टेक्स 3 टाइम एज लॉन्ग एज क्यू प्लस आर टुगेदर टू डू ए जॉब, क्यू टेक्स 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज पी एंड आर टुगेदर टू डू द सेम वर्क, इफ ऑल 3 वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब इन 18 डेज देन नंबर ऑफ डेज पी अलोन कैन टेक द जॉब। देखो पी जो लेता है 3 गुना ज्यादा दिन लेता है, तो इसकी एफिशिएंसी देख रहे हैं ना, देखो अगर जो एफिशिएंसी है 1 दिन में काम जो होता है ना, पी पी अमाउंट ऑफ काम करता है, क्यू क्यू अमाउंट ऑफ काम करता है, और आर अपना आर अमाउंट ऑफ काम करता है 1 दिन में अलग अलग। सबसे पहले पहले उन्होंने क्या बोला कि पी टेक्स 3 टाइम एज लॉन्ग एज क्यू, तो इसका मतलब पी 3 दिन में पी जितना काम करता है 3 × p, वो काम क्यू और आर 1 दिन में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया पी अपॉन क्यू प्लस आर का आ गया 1/3, ये बात सही है, क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी 3 गुना ज्यादा है इससे। सिमिलरली क्यू जो है 4 दिन में क्यू जितना काम कर देता है वो पी प्लस आर 1 ही दिन में कर देता है ना, 1 × p+r, तो इनकी एफिशिएंसी रेशियो क्यू अपॉन पी प्लस आर इज इक्वल टू 1/4। और क्या बोला है ये सारे
18 दिन में काम खत्म कर देता हूँ। 18 दिन में अगर पी क्यू और आर लग जाएं तो एक काम खत्म कर देते हैं। इन्होंने पूछा पी कितने दिन में काम खत्म करेगा, यहाँ से क्यू प्लस आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं इस इक्वेशन से, क्या वो अच्छा यहाँ पे ये 3 पी के इक्वल है, ठीक है 4P × 18 72P = 1, और यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ गई, P की एफिशिएंसी 1/72 है ना। तो वही आ गया कि कितने एक दिन में 1/72 अमाउंट ऑफ काम करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, 72 डेज में P अकेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। देखो इसको इन्होंने क्या बोला है, एक मिनट क्वेश्चन बोला कि इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए ओ ए ओ डैश ओ डैश ये वाला, ठीक है, और क्या बोला है कि एंगल बाय सेक्टर ऑफ ओ ए बी, एंगल बाय सेक्टर मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंगल ओ बी ए, ओ बी ए रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ए एल बी जो है वो 40 है, ए ओ डैश बी फाइंड करना है। देखो क्या करना है इसमें, सबसे पहले हमें फाइंड करना है एंगल, फाइंड करना है हमें ए ओ डैश बी, हमें ये वाला एंगल फाइंड, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि कोई कोड है ए और बी, वो एक सेंटर पे एंगल बना रही है और वो सर्कल है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, अब किसी भी पॉइंट पे तो इसका डबल आएगा, मतलब ये वाला एंगल आएगा 80, ठीक है, ये एंगल 80 आ गया, बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, एंगल 80 आ गया, ये एंगल 80 आ गया, तो ये वाला एंगल कितना आएगा। अब देखो ये दोनों रेडियस है ओ ए ओ बी, तो ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे, तो 80 और सम होना चाहिए 180, 80 ये बचा, दोनों का सम 100 आएगा, तो दोनों एंगल आ जाएंगे 50 50, ठीक है। अब ओ ए ओ ओ डैश ए ओ डैश बी क्या है, एंगल बायसेक्टर यानी कि हाफ हाफ में डिवाइड करता है इसको, ये 25 आ जाएगा, ये भी 25 आ जाएगा, 25 25 50 over 50, 180 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 130, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 कि इफ ए ड्राइवर डिवाइड्स हिज जर्नी इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड ट्रेवल द 3 पार्ट्स विद द स्पीड ऑफ 36, 60, 66 किलोमीटर पर आर रिस्पेक्टिवली एवरेज स्पीड। देखो इसमें आसान सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा एलसीएम में निकालने में पड़ जाएगा। देखो 3 इक्वल पार्ट है, एक्स एक्स एक्स, ठीक है, ये एक्स किलोमीटर जो है वो 36 किलोमीटर की स्पीड से निकालता है, तो इसका टाइम क्या आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना टाइम लग गया ये एक्स डिस्टेंस तय करने में, इसको करने में इतना टाइम लग गया, इसको करने में इतना टाइम लग गया, है ना। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस यानी कि 3x अपॉन टोटल टाइम, एक्स अपॉन 36 प्लस एक्स बाय 60 प्लस एक्स बाय 66, ठीक है। इनका एलसीएम जो आएगा, एक्स हम कैंसिल ही कर देते हैं, तो 3 डिवाइडेड बाय 1/36 प्लस 1/60 प्लस 1/66, ठीक है, इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 1980, ठीक है, तो ये 55 प्लस 30 30 30 33 into ये आ जाएगा 30, ठीक है, ये आ जाएगा 3 into 1980 divided by 1980, ठीक है, तो 50 83 88 118, ठीक है, 3 into 19, ठीक है 50.3, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल है विदाउट कैलकुलेटर, क्योंकि पूरा कट नहीं रहा है, ऑप्शन डी आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 31, ये आसान ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टू मैन पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम ए प्लेस वॉकिंग 5 किलोमीटर पर आवर एंड 4.5 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द टाइम दे विल टेक टू 38 किलोमीटर अपार्ट इफ दे वॉक इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सिंपल सी बात, देखो यहां से चलना स्टार्ट किया, इधर पी जा रहा है, इधर क्यू जा रहा है, ठीक है, किस किस स्पीड से जा रहे हैं, ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 4.5 की, तो ये बोला कितने टाइम बाद इनके बीच में डिस्टेंस जो आ जाएगा वो 38 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, 1 घंटे में ये 5 किलोमीटर उधर चला गया, ये 4.5 इधर चला गया, 1 घंटे में दोनों के बीच में डिस्टेंस आया था 4.9, सॉरी 9.5, 38 कितने में आएगा, तो 9, तो इसकी रिलेटिव स्पीड होगी ना दोनों की, एक तरह से देखा जाए तो, कि दोनों 9.5 डिस्टेंस अपने बीच में कर लेते हैं 1 घंटे में, तो 38 कितने में करेंगे, 38 डिवाइड बाय 9.5, ठीक है, और ये आ जाएगा 4 4 घंटे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्होंने बोला है कि एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 जो है 2 के इक्वल है, तो सम ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन का सम क्या होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स की पावर 1/3 को टी पुट कर देता हूँ, मेरे पास इक्वेशन बनेगी t² + t, 2 इधर का माइनस हो जाएगा 0, ये बनेगा t - +2 और t - 1 = 0, t की वैल्यू जो आ जाएगी -2 और t की वैल्यू 1, ठीक है। t की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू की पावर 1/3 = -2, एक्स की पावर 1/3 = 1, दोनों साइड में क्यूब लूंगा तो एक्स जो आ जाएगा -8 के, यहाँ तो एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, सम क्या आ जाएगा, -8 + 1 - 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज 36, a + b + c = 36, देयर प्रोडक्ट इज 1 7 1 1 7 0, ठीक है। सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 3rd नंबर, यानी कि a + b जो है c के इक्वल है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स पूछा ना, a + b = c है, तो पहले इक्वेशन में पुट करूंगा, अगर a + b पुट करूंगा c, तो 2c = 36, c = 18, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ से भी a * b जो आ जाएगा मेरे पास, a + b भी 18 ही आ गया, ठीक है, तो 18 से कट जाएगा क्या, 1 1 7, हाँ कटेगा 18 से, 1 1 7 0 डिवाइड बाय 18, पहले 9 से कटेगा, 9 * 1 = 9, 9 * 3 = 27, 0 2 = 65, ठीक है, 65 आ गया। हमसे क्या पूछा है, a² + b² + c² है ना, ये चीज पूछी है हमें, सी का स्क्वायर, हम देखो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ a + b का स्क्वायर, ठीक है, -2ab + c² अब हमारे पास थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना, a + b का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर, और c भी क्या है 18, तो 2 * 18 का स्क्वायर -2ab कितना है, 65 है ना, 65 * 2 = 130, बस आसान है, बस 18 का स्क्वायर * 2 - 130, ये आ जाएगा 518, ठीक है, ऑप्शन डी। 34 में क्वेश्चन में दिक्कत है कुछ, मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है, इसको चेक करना। अब देखो इन्होंने बोला है कि 26.7059 इक्वल है 2a + 6/b + 7c + 5d + 9/a, तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि a की वैल्यू तो सिंपली 10 होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 * 10 = 20 आ जाएगा, तो भी 26 का 2 आ जाएगा वो, ठीक है, b की वैल्यू तो 1 ही आनी चाहिए, c की वैल्यू 0.1 यानी कि 1/10, ठीक है, d की वैल्यू कितनी है, 5d है, तो 5 * 3 बार है, तो 1/1000, सिमिलरली e की वैल्यू, e नीचे है, ठीक है, तो 9/10,000 यानी कि e की वैल्यू 10,000 होनी चाहिए, ठीक है, ये बात सही है, b1 है, b ऊपर होता है नीचे होता है एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इन्होंने पूछा 5a, 5a यानी कि 50 + 3b + 4c यानी कि 4/10, ठीक है, d यानी कि 1/10,
थाउजेंड प्लस 7e, 7e यानी कि 70,000, ठीक है। तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 70,000 53.401, ठीक है, ये आना चाहिए। बट कोई आंसर मैच नहीं कर रहा, बट इन्होंने डी दिया हुआ है, ठीक है, तो मुझे लगता है ये गलत जाएगा और ये इसमें मार्क्स टोल मिल जाएगा, ठीक है, चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना, वेरीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ 1.333 इंटू, देखो 1.333, 1 + 0.33 क्या आएगा, 1/3, तो 1 + 1/3 4/3 आएगा अगर ऐसे करना है। और 0.09 ये होता है 1/11, ठीक है, 0.499 ये 0.5 ही हो गया यानी कि 1/2, 2.666, 2 + 0.66 करोगे तो अगर 0.666 होता है 2/3, 2 + 2/3 8/3, ठीक है, 33 तो है ही, और 0.0999 तो इसको मैं 0.1 लिख सकता हूँ यानी कि 1/10, ठीक है, तो काट पीट दो और क्या आपस में, 11 * 3 = 33, ठीक है, और क्या कट जाएगा, 4 2 कट गया, 2 5 से कट गया, तो क्या बचा ऊपर, 8 5 * 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 × 5 = 32, 9 × 7 = 54, 7 × 8 = 49, यहाँ पे क्या है देखो, 8 × 5 - 1 4, 32, 7 - 1 54, 7 × 7 = 49, 6 × 8 नहीं 7 = 42, ठीक है, 37, ये भी आसान है देखो, 2 25 की पावर 4.5 × 25 की पावर p = 25 की पावर 8, तो ये होना चाहिए 25 की पावर 4.5 + p = 25 की पावर 8, तो 4 + 4.5 + p = 8, p = अपना 3.5, ठीक है। 38 है फॉर सिंगल डिस्काउंट, इक्विवेलेंट फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% 20%, ठीक है। या तो सिंपल सी बात है कि पहले 100 ले लो, 100 पे अगर मैं 30% डिस्काउंट दे रहा हूँ तो सीधा तो वो 70 आ जाएगा, 70 का मैं 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, 70 का 20% कितना हो गया, 14 हो गया, 70 - 14 56, तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट दे दिया मैंने, 44, ठीक है। तो जहां पे ऐसा सक्सेसिव डिस्काउंट आ गया 10 20 30 आ गया, वहां पे परसेंटेज निकालना बहुत इजी हो जाता है, 100 कर लो, ठीक है, और अगर डायरेक्टली देखना है तो 30, अगर डिस्काउंट की बात की जाए 30 + 20 - 30 × 20, ठीक है, 30 + 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट अगर करेंगे, 30 20 दोनों का मिला के 50 आएगा ना, उससे कम ही आएगा, ये ध्यान रखना, तभी तो सक्सेसिव दे रहा है उसको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो 50 - 6 = 44, ठीक है। 39 है, ऑन 30% डिस्काउंट सेल आर्टिकल कॉस्ट 798 ओरिजिनल प्राइस, बस सिंपल सी बात है देखो, ओरिजिनल प्राइस मान लो एक्स था, उस पे उसने 30% डिस्काउंट दे दिया यानी कि उसने 70% पे बेच दिया, तो 70% पे बेच दिया, कितने पे बेचा, 798 पे, ठीक है, 0 0 कट गई, 7 * 7 = 14, 7 * 7, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1140, इतना अमाउंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹900 ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट सो एज टू मेक प्रॉफिट ऑफ 20, एक लॉस ऑफ 25%। देखो इन्होंने क्या है, कोई कॉस्ट प्राइस है हमें नहीं पता, कोई सेलिंग प्राइस है, लॉस वाला जो पूछा है सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट वाला जो हमें दिया है ये एक्स है। अगर वो 25% प्रॉफिट पे बेचता है, 25% मतलब 1/4 ज्यादा करके बेचता है, तो 1 + 1/4 5/4 पे बेच देता है, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25। सिमिलरली 25 लॉस हो रहा है तो 1/4 कम करके बेचता है, तो 1 - 1/4 3/4 पे बेच देता है, ठीक है। हमें ये तो दे दिया कि भाई ये तो 900 के इक्वल है, ये बता दो हमें, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ सेलिंग प्राइस पूछा है लॉस वाला, हम क्यों एक्स में जाएं, तो 900, ठीक है, तो × 3 किया मैंने, × 3 किया क्योंकि मुझे 3 चाहिए, तो 5 में काट दूंगा 180 से, तो मेरे पास 3/4 एक्स इसके कुल आ गया 540 के, ठीक है, एक्स निकालने की जरूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने बोला है कि ए शॉपकीपर बॉट 150 शो पीस
एट रेट ऑफ 500 पर शोपीस, 500 का एक उसने 150 शोपीस ले लिए, ही स्पेंट 500 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड पैकिंग, ना पैकिंग 500 लग जाते हैं उसके पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन में। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द शो पीस इज 570 पर शो पीस, शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट गेन बाय शॉपकीपर। सबसे पहले हम पर पीस का निकालो, या तो टोटल निकाल लो कि टोटल इतना खर्चा हो गया, टोटल इतने का बेच दिया, निकाल लो। पर पीस निकालना है वो कर लो, ठीक है, बट यहाँ पर पीस निकालने में फ्रैक्शन में चला जाएगा। देखिए पर पीस जो कॉस्ट है वो 500 तो है ही, प्लस ट्रांसपोर्ट पे 500 रुपये है, पर पीस कितना आ गया 150 है, ठीक है, ये आ गया, तो ये कट जाएगा ना, और कितना 500, 500 कट गया, 10/3, तो इसका जो पर पीस कॉस्ट आ गया ना, 10/3 ही आएगा ना, हाँ 5 से 15, 1510/3 ये आ गया पर पीस कॉस्ट। पर पीस सेलिंग प्राइस कितना है 570, तो वो मार्क प्राइस रखता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है 5% डिस्काउंट देता है, यानी कि इसका 5% निकालो या सीधा 95%, यानी कि 19/20, ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा वही है, फ्रैक्शन में आएगा ये 57 × 19, 1083/2, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस आएगा। और पूछा क्या इन्होंने, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट क्या आएगा अपना, कैलकुलेशन मुश्किल आएगी इसमें थोड़ी सी, चलो वन जीरो 83/2 माइनस 1510/3 डिवाइड बाय, ठीक है, वन 0 8 3, इसको हम डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 2 × 1510 - 1 × 100 करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन, और तो कोई इलाज नहीं है इसमें, और कुछ कटता जाएगा दिख तो नहीं रहा, 1083 × 3, ठीक है, ये आ जाएगा 15 30 20/2 × 1510 × 100, ये कटा जाएगा, ये 0 कट गया, ये 5 से कट गया, ठीक है, और देखते हैं 9 2 2/15 × 5, तो अप्रोक्सीमेट देखते हैं, दूर दूर नहीं है वैसे, अगर देखा जाए तो 225 है ना, 15, 225 आता है ना 15 से, 15 पे गया, 15 × 5 = 75, 151 है, सॉरी 151 है ना, तो वही कर सकते हैं कि जैसे 5 इसको 150 मान लो, 5 × 15 = 30, ठीक है, तो 30 × 7 = 21, और 7 × 21 = 19, 6 × 18 = 7.6 समथिंग, ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए आ रहा है, थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे आंसर है ना वो थोड़े दूर दूर हैं, अगर सारे ही 7.58 7.4 होता तो थोड़ा मुश्किल होता ही हमारा, ठीक है। दूसरा तरीका यह है वैसा करके देख लेना कि टोटल प्राइस निकाल के, क्या पता उसमें फ्रैक्शन वगैरह जो बन रहा है वो आसान पड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, ए ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स, टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1.5 आवर, इट मस्ट ट्रेवल स्पीड। देखो क्या है, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है इसका सेम है, इसका मतलब स्पीड और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट है चाहिए, पहले स्पीड कितनी है 180, टाइम है 4, बाद वाली स्पीड हमें पता करनी है, और डिस्टेंस कितना है 1 × 1/2 3/2 है ना, 1.5 घंटा आ गया, तो बस हम कर देंगे 3, ये आ जाएगा 60, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 × 4 × 2, 4 × 2 = 8, 8 × 6 = 48, 48 + 1 = 0, 480, ठीक है, 43, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब चलती जा रही है कहीं रुक नहीं रही, यहां से चली 1 घंटे बाद कहाँ रुकेगी 60 किलोमीटर के बाद, ठीक है, डायरेक्ट मतलब रुकेगी नहीं, 60 किलोमीटर कवर कर लेगी इंक्लूडिंग स्टॉपेज, बट
बीच में स्टॉप आ रहे हैं, रुक रुक रहे हैं, तब उसकी इफेक्टिव स्पीड जो आ जाती है वो 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 55 किलोमीटर पर आवर कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी विद स्टॉपेज, 1 घंटे में 55 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो जो जब चलती है, चलती तो वो 60 किलोमीटर की पर आवर से स्पीड से है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 1 घंटे में कुछ टाइम तो वो चली है, 55 किलोमीटर चली है, कुछ टाइम वो रुकी रही है स्टेशन पे। ठीक है, तो अब ये देख लें कि 55 किलोमीटर जब चली है तो उसके लिए टाइम कितना लगा होगा उसको। तो जो 60 किलोमीटर है ना वो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में ट्रेवल कर लेती है, तो 55 किलोमीटर हमें पता है फिर कितने मिनट में ट्रेवल किया होगा उसने, 55 मिनट में। ठीक है, तो जो 1 घंटा है उसमें वो 55 मिनट ही चली है, कितना मिनट रुकी है, 5 मिनट। ठीक है, 44, 2 + √2 इज इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नन ऑफ दिस। देखो क्या है, √2 आ गया ना, इरेशनल है। इरेशनल इरेशनल क्या होता है, रैशनल नंबर होता है कोई भी नंबर जिसको मैं दो इंटीजर की रेशियो में लिख सकता हूँ कि वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे 3/2 हो गया, इंटीजर भी एक तरह से रैशनल नंबर है, अगर 2 भी एक रैशनल नंबर है, 2/1 लिख सकता हूँ मैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, जैसे √2। ठीक है, √2 क्या है, इरेशनल, इसकी वैल्यू है 1.414 अप टू, कोई पैटर्न नहीं है, खत्म नहीं होगा कभी भी, इसको कभी भी मैं दो इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकता के उसमें डिवाइडेड में p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। ठीक है, तो इसलिए अगर √2 रैशनल तो 2 + √2 भी क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। जैसे कि पाई, पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर, 1.3.14 अप टू चलता जाता है, कहीं कोई पैटर्न नहीं है, कहीं खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, द नंबर 1.732 ये क्या है, ये रैशनल नंबर, सिंपल सी बात है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1732 डिवाइड बाय दो इंटीजर की रेशियो के बीच में, कट कटा काट कूट दो जो भी बनेगा। ठीक है, इसको ये मत कर देना कि यार 1732 √3 के इक्वल लगता है तो √3 इरेशनल है, नहीं, √3 जो होता है वो 1.732 आगे बढ़ता हो जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, ये जो उन्होंने दे दिया है खत्म हो गया है। ठीक है, ये हम अप्रोक्सीमेटली यूज करते हैं √3 के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 46 क्वेश्चन है, x-2/4 - 3x+5/7। ठीक है, तो बस सिंपल सा एलसीएम में तो 7x-2 - 4 3x+5 7 × 4 28 उधर चला गया, 28 × 3 84। ठीक है, तो 7x-14 - 12x - 20 = -84, -5x उधर -84, 14 और 20 34 + 34 आ गया यहाँ पे, तो -5x = -50, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, क्या बोला कि माई फादर्स एज इज डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माई ब्रदर्स एज डिवाइडेड बाई 2, माई ब्रदर इज 5 ईयर यंगर, ओल्डर देन मी, माई फादर्स एज इज 5 < 2 times माई एज, एज ऑफ माई फादर। देखो फादर मैं एफ लिख लेता हूँ, ब्रदर को बी लिख लेता हूँ, माई एज को मैं एम लिख लेता हूँ। पहले इन्होंने बोला कि फादर की एज को अगर मैं डिवाइड बाय 3 करूँ, वो ब्रदर की डिवाइड बाय 2 करूँ, यानी कि 2 × फादर्स एज इज इक्वल टू 3 × ब्रदर एज। ठीक है, दूसरा क्या बोला, मैं ब्रदर इज 5 ईयर्स ओल्डर देन मी, तो ब्रदर जो है मेरे से 5 साल बड़ा है। ठीक है, फिर क्या बोला, फादर्स एज इज 5 < 2x ऑफ माई एज, जो फादर की एज है वो मेरी एज के 2x से 5 कम है। ठीक है, तो फादर की एज पूछी है, यहाँ पे हम क्या कर सकते, देखो ब्रदर और फादर की एज को मैं ये वाली इक्वेशन लिख लेता हूँ, मतलब बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, एफ की वैल्यू पुट कर देता हूँ, मेरी एज आ जाएगी, फिर हम निकाल लेंगे। ठीक है, 2 × 2m - 5 = 3 × m+5। ठीक है, तो 4m - 10 = 3m+15, 3m उधर चला गया तो m ही आ जाएगा, 10 उधर गया, 25, मेरी एज 25 है तो फादर कितनी आ जाएगी, 25 × 50 - 5 = 45। ठीक है, तो इसको ऐसे सवाल को हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आसान है, देखो
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी, यानी कि 30 प्लस 15 कॉस्ट 45, जो कि इक्वल होता है 1/√2 के। नेक्स्ट है 4 cot 3 theta माइनस 4 = 0, यहां से cot 3 theta किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, तो 3 theta किसके इक्वल आ जाएगा 45 के, थीटा जो आ जाएगा 15 के, ऑप्शन ए। ठीक है 50 क्वेश्चन है, tan a इज इक्वल टू 4/3 वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस कोस ए साइन ए प्लस कोस बी, ऊपर नीचे कोस ए से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास tan a माइनस 1 tan a प्लस 1 बचेगा। ठीक है तो ये 4/3 के इक्वल है, माइनस 1 4/3 + 1, ठीक है तो 4 - 3 1, 4 + 3 7, 1/7। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री नंबर्स आर रेशियो 1, 2, 3, रेशियो ऑफ रेसिप्रोकल नंबर, देखो 1, 2, 3 है, इस मान लो 1, 2, 3 नंबर है, इनके रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1, 1/2, 1/3, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा। ठीक है इसको फ्रैक्शन, इसका 2 और 3 का एलसीएम 6 है, मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6, 3, 2, ऑप्शन डी। ठीक है 52 52 तो सवाल पेन उठाने वाला भी नहीं है, उन्होंने क्या बोला है कि एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ स्टूडेंट 22, एवरेज इज 22 है, ठीक है टोटल हमें नहीं पता। ये बोला कि 5 स्टूडेंट्स हु टुगेदर एज 110 ईयर्स लीव द क्लास, 5 बच्चे जिनकी टोटल एज 110 है, तो उनकी एवरेज एज कितनी होगी 22। तो अगर जिनकी, अब ये मान लेते हैं कि पांचों 22 22 साल के थे, ये मान सकते हैं, ठीक है सब निकल गए, तब एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है जितनी एवरेज थी उतने ही उम्र के बच्चे बाहर निकल गए हैं। ठीक है फिर 3 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया जिनकी टोटल एज 66 थी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 66 / 3 = 22। तो ऐसे ही 3 बच्चों ने ज्वाइन किया, अगर हम मान लें कि जिनकी एज 22 22 22 थी, ठीक है तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है अगर यहीं पे हमें कुछ और आ जाता, जो बच्चे ऐड हुए हैं रिमूव हुए हैं उनकी एवरेज नहीं पता था, हम नहीं बता सकते थे, क्योंकि तभी तक हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता, उसके लिए हमें ये पता होता कि पहले कितने स्टूडेंट्स हैं तब बता सकते। ठीक है तो ऑप्शन डी आ जाता उसमें 53। इन्होंने बोला 3 वैरायटी ऑफ राइस ईच कॉस्ट 20 30 40 पर केजी, ए शॉपकीपर बायस ईच ऑफ द वैरायटी इन रेशियो 3:4:5 बाय वेट, मिक्स देम टुगेदर, ही देन सेल्स द मिक्सचर एट प्रॉफिट ऑफ 20% पर केजी सेलिंग प्राइस। अब देखो हम वही करते हैं कि 3 किलो 4 किलो 5 किलो जो रेशियो है ना, सिंपल छोटा छोटा नंबर ले लेते हैं, इतना लाता है। ठीक है 3 किलो ले आया, 4 किलो ले आया, 3 किलो 3 + 4 + 5 7 5 12 किलो लेके आया टोटल। ठीक है अब 3 किलो लेके आया 20 रुपए वाली, कितने में लेके आया 60 रुपए में, 20 या 60, 4 किलो वो 30 रुपए वाले लेके आया तो 120, और 5 किलो 40 वाले यानी कि 200, इतने रुपए में लेके आया वो सारा 12 किलो, कितना आ गया 180 और 380, 380 में लेके आया। अब इसका प्राइस क्या आया पर के जी 380/12, ठीक है कट जाएगा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है हमें जरूरत भी नहीं काटेंगे, इतना आया सेलिंग प्राइस पर के जी, सेलिंग प्राइस उसको कॉस्ट प्राइस, ठीक है मिक्सर का, उसको 20% प्रॉफिट पे बेचना है, 20% प्रॉफिट पे बेचना है, इसका मतलब उसको 1/5 बढ़ा के बेचना है, 1 + 1/5 6/5 ये आ जाएगा बस। ठीक है काटा इसलिए नहीं क्योंकि 6 दुनी 12 5 दुनी 10, ठीक है कई बार अगर कैलकुलेशन वगैरह ना करें ना बीच में तो ज्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट 54, देखो इसमें कैलकुलेशन है, मुझे कुछ पैटर्न तो दिखा नहीं, पैटर्न तो ये है कि 1.4 का स्क्वायर + 0.4 का स्क्वायर, यहाँ पे a² + b², यहाँ पे 6ab है। ठीक है नहीं तो हम एक चीज और करते हैं, मैं ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 14 का स्क्वायर ही आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 3:36 आ जाएगा। ठीक है और 0.8, तो 8.8 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1 10 1 मैंने 0.2 से, तो यानी मैंने 16 × 13.4 किया, और यहाँ पे मैंने 96 कर दिया 100 से मल्टीप्लाई किया तो, और 1.4, ठीक है प्लस देखो 7 का क्यूब होता है 7 343, 8 का होता है 120। ठीक है अब मैं इसमें से 4 कॉमन निकाल कट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 7 का स्क्वायर है ना, 2 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
यहाँ पे क्या आ जाएगा 84, ठीक है। सीधा भी करना है वैसे भी कर सकते हो, अब मुझे दिख गया तो मैंने कर दिया, ठीक है। 24 × 1.4 + 7/8, ठीक है। अब हम कर सकते हैं 49 + 4 + 180, सॉरी 84, ठीक है। 4 × 16, 4 × 12 और 1 × 13, 4 × 4 = 5, माइनस 14 × 56 = 5, 14 × 28 और 5, ठीक है, + 7/8। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 × 4 = 8, 9 = 17, 8 × 4 = 12, 137/, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लो, 6 × 12, 8 × 16.5 और 1 यहाँ पे आ जाएगा डॉट, ठीक है। ये आता है 1/8 होता है 0.125, तो 1/7 होता है 0.875, ठीक है। तो बस ये 7.725 आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा जो तुम तो मुझे लगता है इसमें कुछ पैटर्न बने तो थोड़ा इजी हो जाएगा, बट वो बना नहीं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, हाउ मेनी डिजिट्स विल बी देयर टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट इन प्रोडक्ट ऑफ दिस। देखो क्या है, 94 × 0.2556, देखो 94.75, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है वो डिपेंड करता है डिनोमिनेटर पर, है ना। अगर मान लो इसको डिनोमिनेटर 100 है, अगर मुझे एक डिजिट कम करना है, इसका मतलब क्या है, 100 का एक जीरो कटना चाहिए। 100 का एक जीरो तब कटेगा जब ऊपर भी 10 बन रहा होगा, 9475, वो तो नहीं बन रहा हमें दिख रहा है, ठीक है। 5 कट जाएगा, बट 2 भी तो चाहिए, ठीक है। और सिमिलरली इस केस में, तो अब अगर मुझे देखो 9475/100 × 2556/1000, कितनी जीरो आएंगी, 5 जीरो आएंगे, ठीक है। अब मुझे मान लो एक जीरो कट करनी है, तो न्यूमिनेटर में क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 10 किससे बनता है, 5 × 2 से। अगर मुझे दो जीरो कटनी है, मतलब न्यूमिनेटर में 100 होना चाहिए, 100 बनेगा 25 × 4, मतलब 5 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर से, ठीक है। मुझे ये देखना है, ओनली 25 से भी नहीं चलेगा कि 25 हो 4 ना हो, ओनली 4 से भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखो ये इसमें 25 है, 9475 में 25 एक आएगा, 25 आएगा ना एक, और 2556 में एक 4 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और मुझे अगर 1000 करना है तो मुझे कितना चाहिए, 25 × 125 × 8, ये चाहिए, ठीक है। तो चेक करो, देखो 8 इसमें तो है नहीं, 556 चेक करके देख लो, इसमें 8 तो नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 56 जो 4 से डिवाइड होता है, इसमें 25 आ जाएगा, 25 × 4, दो जीरो कट कर ही देगा ये, दो जीरो कट कर देगा, कितनी जीरो बचेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर ही लेते हैं, थोड़े और क्वेश्चन। 56, जब से लास्ट ये अरेंजमेंट वाला कर लेते हैं, इसमें जितने भी सवाल हुए देखते हैं। चलो इन्होंने बोला है, 8 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल इन विच सम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर व्हाइल सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ये थोड़ा मुश्किल आया होगी, कुछ लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, चलो हम बना ही लेते हैं इसको, हम ठीक है। कितने 8 लोग हैं ना, 8 पोजीशन बना लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इनवर्ड आउटवर्ड थोड़ा लिख भी लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया रहे, इनसाइड जो आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन बिठाए हम, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अब देखो हम किसी को फिक्स बिठा भी नहीं सकते, हमें नहीं पता डी किस तरफ मुंह करके बैठा है, तो उसका राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। ई बैठा है डी के थर्ड राइट में, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी, बोथ आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, बी और जी सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है इनवर्ड या आउटवर्ड। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, एफ इज नाइदर इमीडिएटली नेबर ऑफ जी और बी। एफ जो है
बी या जी का नेबर नहीं है, ठीक है। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, हु सिट्स ऑपोजिट टू एच, एफ और एच ऑपोजिट बैठते हैं, ठीक है। जी इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज डी, तो डी के डायरेक्शन भी सेम है, बी जी डी की सेम होगी बट ऑपोजिट टू सी एंड ए, बट सी और ए की ऑपोजिट होगी ना, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने, ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एच एफ, एच और एफ की डायरेक्शन सेम है। बी एंड डी फेस ईच अदर, देखो अब यहाँ पे क्लियर हुआ, बी एंड डी फेस ईच अदर, तो मतलब बी और डी आपस में एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, बी और एक और बोला है कि बी और जी के बीच में दो लोग हैं, मतलब जी या तो यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और देखते हैं, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के थर्ड टू द राइट में यहाँ पे ई बैठा है, ठीक है, ये फिक्स हो गया। और क्या बोला इन्होंने, ओनली 2% सिट बिटवीन जी एंड बी, बोथ आर फेस सेम डायरेक्शन, ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी भी अभी फिक्स नहीं है, और एफ इज नाइदर इमीडिएटली नेबर ऑफ जी और बी, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ हु सिट्स ऑपोजिट टू एच, एफ और एच दोनों ऑपोजिट बैठे हैं, तो देखो ई यहाँ पे फिक्स हो गया, ऑपोजिट एक तो ये हो गए आपस में, एक ये हो गए, ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, जी की डायरेक्शन सेम है डी जैसी बट ऑपोजिट टू सी एंड ए। अच्छा अब देखो इन वर्ड क्या क्या हो गए, बी जी डी ऑपोजिट हो गए ए और सी, ठीक है, ए और सी बाहर की तरफ बैठे हैं। ई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एच हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज एफ, बी एंड डी फेस। तो हम क्या करते हैं, पहले जी को ही बिठा लेते हैं, देखो पहले केस में हम क्या करते हैं, जी को यहां बिठा लें, जी का डायरेक्शन यही है, ठीक है, जी यहां बैठ गया। अब तो हमारे पास एफ और एच को बिठाने का क्या तरीका बचा, ओनली यही बचे, और बट एफ जो है इन्होंने बोला है जी और बी का नेबर नहीं होना चाहिए, तो एफ और एच यहाँ पे आएंगे, ठीक है। बट इससे गलती क्या होगी, एक इन्होंने बोला है एच ई जो है एच के सेकंड टू द राइट में बैठा, तो इसका मतलब हमने जी जो कंसीडर किया ना थोड़ा गलत किया है, हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं जी, ठीक है। अब जी यहाँ पे बैठा है, एफ यहाँ पे बैठेगा और एच यहाँ पे है ना, तो देखो सेकंड टू द राइट, देखो कुछ गलत किया ना हमने, अभी भी नहीं बन रहा है, अरे एक चीज गलत कर दी ना हमने, एक मिनट, पीछे हमने पहले क्या किया था, देखो जब हमने जी मैंने यहाँ पे बिठाया तब ये ऑपोजिट नहीं बैठ सकते, यहाँ ऑपोजिट नहीं बैठ सकते, यहाँ नहीं यहीं बैठ सकते, ठीक है। बट अब क्या है, देखो अब दो हिस्से हैं, एक तो ये भी ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है, ठीक है। तो एफ अगर मैं यहाँ पे बिठाना चाहूँ, एफ जी के साथ नहीं बैठेगा, एफ यहाँ बैठेगा, एच यहाँ बैठेगा, पर यहाँ पे जो है ई एच के सेकंड में नहीं आ रहा, थर्ड में आ रहा है, ऑब्वियसली क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ई क्या है, सेकंड टू द राइट, एच का राइट इस साइड है, एच का राइट इस साइड है, मतलब एच जो बैठा है इस साइड मुंह बाहर की साइड मुंह करके बैठा है, ठीक है। एच जो है एफ का फेस सेम है, मतलब एफ भी बाहर बैठा है, ठीक है। तो अब बन रहा है एच के सेकंड टू द राइट में ई बैठा है, अब क्या बचा देखो, जी इज फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी कौन है, एच, उसके थर्ड टू द राइट में बैठा है ए, थर्ड टू द राइट में ए, तो ए भी बाहर की साइड मुंह करके बैठा है, यहाँ आ गया सी, ठीक है, ऐसा आ गया। अब देखना सारे, और ई क्या है, ई फेसेस सेंटर, लास्ट लाइन लिखी हुई, बस हो गया। हु अमंग द सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए का राइट इस साइड आएगा, थर्ड टू द राइट जी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग सिट्स ऑपोजिट टू सी, सी के ऑपोजिट बैठा है ए। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एच व्हेन काउंटिंग लेफ्ट ऑफ डी। डी से लेफ्ट, डी का लेफ्ट ये हो गया ना, डी और एच के बीच में दो लोग बैठे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या पूछा इन्होंने, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एफ। बी की पोजीशन एफ के रिस्पेक्ट में, एफ का लेफ्ट ये हो गया, लेफ्ट से थर्ड बैठा है, थर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, तो हमने इसके कुछ मुझे लगता है 35 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, बाकी जो बचे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर भी किसी सवाल में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो जो एप्टीट्यूड का ग्रुप बना रखा है वहां पूछ सकते हो। ठीक है, एक सवाल इसमें मिस्टेक है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो कुछ सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।